करते हैं यार। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या बोला था तुम लोगों को? आइए दोबारा स्टार्ट करते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन किससे रिप्लेस करते हैं? अल्फा। अच्छा मेरे को ये बात बताओ, तुम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन जो तुम लोग बोल रहे हो कि उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, हमको ये बताओ कि सर्कुलर मोशन में कितने एक्सीलरेशन कंपलसरी है? एक, दो या तीन? कितने एक्सीलरेशन कंपलसरी होते हैं? जब मैं बोला था तुम लोगों को, जब मैंने एक स्टोन ट्राई किया, स्टोन टाई कर दिया एक रोप पे, ऐसे ऐसे आराम से यूं आराम से घुमा रहा हूं, मतलब कोई जोश ही नहीं है जीवन में, बस घूम रहे तो घूम रहा है, इस समय क्या एक्सीलरेशन है? या फिर ऐसे करके ये स्पीड कर दे तब एक्सीलरेशन आया? क्या दोनों में था? क्यों दोनों में था? एग्जैक्टली आप आराम से घुमा रहे, क्या फिर भी फोर्स है? फोर्स किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स? अगर इनवर्ड्स डायरेक्शन में फोर्स है, मतलब फोर्स से क्या मास हटा दो तो क्या एक्सीलरेशन है? उस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? अलोंग द रेडियस काम करे तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सीलरेशन, या फिर क्या उसे सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि वो सेंट्रिपेटल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जब हम लोग उसको ऐसे करके घुमा देते हैं तेजी से, मॉर्निंग जब इसको हम लोग तेजी से घुमा, ओ अच्छा लाइव अच्छी है पब्लिकली, ओ थाई बोली उधर ग्रुप तो ली दी, ठीक है ठीक है। ऐसे करके हम लोग स्पीड में घुमाते हैं तब भी क्या कोई एक्सीलरेशन आया? तब वो एक्सीलरेशन तो किसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल। सुनो सुने ध्यान से कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? अगर रिस्पॉन्स देना, डल रिस्पॉन्स मत देना, जोश में रहो। तो ये अपना रेडियस आर, अगर मैं बोला कि आस्ते आस्ते मूव कर रहा है, आस्ते आस्ते मूव कर रहा है, बात का मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में हर मोमेंट क्या अपना डायरेक्शन चेंज हो रहा है? हर मोमेंट पे क्या वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल? अच्छा मैं बोला मान लो कॉन्स्टेंट है, तो क्या एक्चुअली में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है या स्पीड? क्या तुम लोग को ये बात समझ में आता है कि ये मैंने स्पीड लिखा है? कैसे पता तुम्हें? हाँ, क्योंकि कोई भी वेलोसिटी का अगर मैं डायरेक्शन हटा दूं तो मॉड लगा दूं, क्या वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और वही उसका स्पीड है? हाँ, तो मैंने बोला कि अपना स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट, और मैंने तेरे को ऐसे बोल दिया कि ये अपना स्पीड जो है वो हर डायरेक्शन में कांस्टेंट है, क्या तब भी अंदर में कोई फोर्स लग रहा है? क्योंकि एक्सीलरेशन है, तो उस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? ए रेडियल। क्या बोलते हैं? है ना, क्या अब कोरोना हट गया? अच्छा ठीक है, ये अपना ए रेडियल, बोले समझ में आया क्या? अच्छा, तो ऐसे ऐसे घुमाते रहा, एक टेंजेंशियल कब आएगा? जब क्या ये मैग्नीट्यूड को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं? अगर मैंने इसको इंक्रीज किया तो बोलो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट से वो इंक्रीज होने लगेगा? और तुम्हें क्या पता है कि अगर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ही क्या एक्सीलरेशन है? मतलब इस डायरेक्शन में क्या कोई एक्सीलरेशन आ जाएगा? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटी। क्या बोलते हैं? अलोंग द, अगर वेलोसिटी, अगर स्पीड इंक्रीज करेगा तो एटी भी इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये अपना AR, ये अपना AT। अब इसका प्रूफ कैसे किया था, मतलब फॉर्मूला में क्या प्रूफ होता है ना, तो प्रूफ करने के लिए हमने पहले पूछा तुम लोगों से कि मान लो अपना कोई सर्कुलर मोशन है और तुम लोगों को क्या वो तुम लोगों के क्या कोऑर्डिनेट लिखने आता है? लाइक फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं कि तुम लोग क्या वेक्टर पढ़े हुए हो, जैसे कि मैं बोलूं क्या बोलूं हां अच्छा, कितने लोग मेरे को बता सकते हैं यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं? यार यूनिट वेक्टर वो होता है ना जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, उसका डायरेक्शन होता है। अबे डायरेक्शन कैसे नहीं होता है? यूनिट वेक्टर का तो डायरेक्शन होता है। तो मैं तेरे को बोला कि मान ले ये सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे कोई पार्टिकल यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे स्पॉट पे। तो इसका रेडियस मैंने आर ले लिया। अब मैं तेरे को बोलूं कि ये पार्टिकल क्या इस मैं बोला कि ये स्पीड हो रहा है, इंक्रीज्ड एक्सीलरेशन है, तो क्या इसका एटी है? डायरेक्शन किधर है? हाँ ठीक है, मैं बोला कि मोशन इधर है, तो क्या आप मान सकते इसका एटी इधर होगा? होगा कि नहीं होगा? और इसका रेडियल रेडियल एक्सीलरेशन तो किधर है? क्या मैं इसे बाहर मान लूं? मान सकते ना? हाँ, तो बाहर मानेंगे तो क्या होगा? आंसर माइनस आ जाएगा सर। आंसर अपना क्या आएगा? मैं तेरे को बोलूं कि अगर इस डायरेक्शन में अपना AR है, इस डायरेक्शन में AT है, तो क्या इस डायरेक्शन में भी एक यूनिट वेक्टर होगा? हाँ वो तो होगा। और इस डायरेक्शन में क्या होगा? नहीं नहीं अभी नहीं, वो यूनिट वेक्टर है। अरे बता रहा हूँ सुन ले, ये अपना यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। मैं तेरे को बोलूं कि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को मैं ई सफिक्स में आर लिखूं, मन है मेरे को, क्या तुम लोगों को ये बात मालूम है कि यूनिट वेक्टर को आप कैप देते हैं? अच्छा, इस डायरेक्शन को मैं ई टी लिख दिया, कैप। अच्छा, ये सर्कुलर मोशन है, हालांकि तुम लोग का मैथमेटिक्स में सर्कल नहीं पढ़ाया हुआ है,
बट आप ऐसे समझो कि हम लोग कोई भी सर्कुलर मोशन होता है ना, सर्कल का इक्वेशन होता है, क्या तुम लोग को ये बात पता है सर्कल का इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर? अगर नहीं पता कोई चाप नहीं है, अगर नहीं पता है तो पता कर लो, ये एक सर्कल इक्वेशन है जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है ए। समझ आया क्या? तो इलिप्स का इक्वेशन मैं थोड़ा सा फील करा देता हूं। इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ठीक है? ये अपना इलिप्स का इक्वेशन होता है। हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। अभी हमें मास्टर लोग पढ़ाते हैं, इस पे पढ़ाने का क्या अभी तो कॉमन सेंस है, मास्टर लोग पढ़ाते हैं। बताओ सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अरे यार तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था उसमें पोलर फॉर्म पढ़ाया था। हाँ तो पोलर फॉर्म में बोलते थे ना आर कॉस थीटा कॉमा ए साइन आर ए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जैसे। हाँ तो वो उसमें बोला था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स भी एक अलग सिस्टम होता है। तो आप ऐसे समझो कि मैथमेटिक्स में तीन तरह का सिस्टम होता है। एक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप लोग पढ़ के बड़े हुए हैं एक्स एक्स कॉमा वाई सिस्टम, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट और एक होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब अपने पास डेटा का कमी हो। जैसे मैं बोला कि एक जनरली हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या मानते हैं एक्स कॉमा वाई, कितने वेरिएबल है? एक ही दो, दो है ना? तो आप बताओ ना दो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए क्या दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए? अबे दो इक्वेशन तो नहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं तो ऐसा कोई सिचुएशन आया जिसमें एक ही अननोन है, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का। किसका करते हैं? अब वो क्यों किया जाता है वो समझे आप। सर्कल का इक्वेशन में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है कि कभी भी अगर आप एक्स कॉमा वाई स्टैंडर्ड नहीं ले और फंस जाए इक्वेशन का कमी हो तो आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करें जिसमें ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा बोला जाता है। लेकिन तुम लोग मेरे को यह बताओ ना इसमें ध्यान से देखो इसमें कितना वेरिएबल है? एक। तो क्या एक इक्वेशन में काम हो जाएगा? इसलिए डेटा इनसफिशिएंसी के टाइम पे हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं, एक ही वेरिएबल में पूरा कोऑर्डिनेट निकल आ जाएगा। बोले समझ में आ रहा क्या? अब मुद्दा वो नहीं था, मुद्दा ये था सर ये मेरे को सपने में आएगा इसका लिखा टीचर लोग बताते हैं आपको रटना है। सर्कल का होता है ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, इसका होता है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। अरे मैं तो कहता हूं इसमें रटने का क्या बात है, ये तो कॉमन सेंस है। मैं तुम लोग से एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि एक्स और वाई इसके जगह पे ऐसा क्या रख दोगे जो ए स्क्वायर आ जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री में सोचना है तुम्हें, लल्लू सवाल है। एक्स के जगह पे रख दो ना ए कॉस थीटा, वाई के जगह पे रख दो ना ए साइन थीटा। बोलो क्या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर? हाँ तो ए स्क्वायर इंटू वन तो ए स्क्वायर। अभी खुद सोचो ना इसमें क्या रख दोगे एक्स और वाई में जो वन आ जाएगा? अबे कट नहीं जाएगा क्या? तो कट के वन आ जाएगा। अब तू खुद बता सकता है ये तीसरा वाला लगा अकल? यार बोर नहीं, बोर नहीं या माइनस है बीच में, खुद अकल लगाओ। दैट यार तुम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं पढ़े हो क्या 10 वाले? अबे sec और sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं ना? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 नहीं होता है? या फिर तो cosec स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर भी 1 होता है? दोनों काम आएगा इसका a sec थीटा कॉमा। इसमें अकल लगाने वाली क्या बात है? इसमें रटने की कोई बात नहीं है, अकल लगाओ यार, समझ में आ जाएगा। समझ में आया क्या? सो दीज आर द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो इसका प्रूफ में ना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल किया गया। बोला गया कि अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो किसी भी समय पे किसी भी लोकेशन पे अगर मैंने इसे थीटा माना और इसको आर माना तो बोलो ये कोऑर्डिनेट को क्या हम लोग लिख सकते हैं? कॉस थीटा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, क्या बोलते हो? लिख सकते हैं क्या? क्योंकि सर्कल तो है। अच्छा ठीक है। तो फिर तुम्हें क्या बोला गया कि इस कोऑर्डिनेट का, ठीक है, ई आर का डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं क्या? पहले बता ई आर क्या है? यूनिट वेक्टर की यूनिट वेक्टर ना। तो आप बोलो ना कि ई आर का डायरेक्शन मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, क्या बोलते हो? कोई दिक्कत है क्या? और इसका डायरेक्शन क्या बाहर की हो रहा है? अब तुम लोग से कितने लोग ये बोल सकते हो कि सर अगर मैं आप ये ई आर लिख सकते हैं तो ईटी को क्या लिख सकते हैं? वो वैसे नहीं ना, वैसे शिवम नहीं रट। देख तू ध्यान से देख, मेरा कुछ रटा हुआ नहीं है, मेरे को बस पता है कि इसके बाद क्या करना है क्या करना है। आप बताइए ना क्या आप लोग इस बात से कन्विंस्ड है कि ईआर और ईटी के बीच में एंगल क्या हमेशा 90 होगा? होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं इस थीटा के ऊपर 90 ऐड कर दूं तो क्या ईटी का डायरेक्शन है? मैं बोला कि इसको क्या लिखा जाएगा ईटी को, क्या ये 90 प्लस थीटा आई कैप प्लस साइन
अरे 90 प्लस थीटा जे कैप है क्या ये? आर्यन समझ आ रहा क्या? अब बताइए मेरे को कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? अब बताइए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? होता है ना? हाँ, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ साइन, अच्छा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस शाबाश कॉस थीटा जे कैप। ओके बहुत बढ़िया। अब मैं तेरे को बोलू कि यार तुम लोग वेक्टर में पोजिशन वेक्टर पढ़े थे क्या? किसको बोलते हैं पोजिशन वेक्टर? बस किसी पॉइंट को बोलते हैं पोजिशन वेक्टर। मैं स्टाइल मार के हम लोग बोलते हैं कि कोई भी पोजिशन वेक्टर, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं, एक पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं एक्स कॉमा वाई। लेकिन वही अगर पोजिशन वेक्टर में बोलेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ तो बस ये तुम्हें दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट क्या है? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। इसे पोजिशन वेक्टर में बोलो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे। अरे ऐसे ही बोलेंगे ना, इसमें कौन सा खास बात है, फालतू चीज है। तो इसका मैंने पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिख दिया आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर लिख सकते ना। ओके ये अपना आएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा। शाबाश आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। कितने लोग तुम लोग काइनेमेटिक्स पढ़े हुए हो तो तुम लोग इस बात को समझ सकते हो कि ये पोजीशन वेक्टर है क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर मैं इसको डेरिवेटिव मारू, तो क्या वेलोसिटी वेक्टर आ सकता है? अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r वेक्टर होता है ना, dr / dt क्या होता है? dr / dt, dx / dt, ds / dt। अबे सबके साथ तो v देगा ना। डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेटिव मारो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डेरिवेटिव मारो तो हां का है बोला था लेक्चर देख, फिजिक्स अलग पढ़ाता हूं, मैथ अलग पढ़ाता हूं, बोला था लेक्चर देख केची ना हुई बुक पढ़ के ना हुई क्लियर स्टेटमेंट है बुक पढ़ के ना हुई। खैर तो अब समझ लो। अच्छा तेरे को बताता हूँ वेलोसिटी का फॉर्मूला, तुझे ये बात पता है कि सिंपल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हाँ तो मैं तुमसे पूछूं कि वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी वेक्टर को आप समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसे आप स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल चेंज इन टाइम भी सोच सकते हो ना। बस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही है ds / dt। आप फिलहाल क्या रटेंगे पता है? आप फिलहाल ऐसे रटिए कि ये अपना x, ये अपना वेलोसिटी, ये अपना एक्सीलरेशन। इसको डेरिवेटिव मारो तो ये मिलता है, इसको डेरिवेटिव मारो तो ये मिलता है, इसको इंटीग्रेट मारो तो ये मिलता है, इसको इंटीग्रेट मारो तो ये मिलता है। इस सिस्टम को रट ले है ना। अच्छा तो इसको डेरिवेटिव मार सकते हैं क्या? किसके रिस्पेक्ट में मारे? थीटा की टी, टाइम के रिस्पेक्ट में। अबे इधर तो थीटा है तो थीटा की टी। याद है तुम्हें? याद है पूरा रट क्या सी हूं। तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, डी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मारेंगे तो यहां पे आएगा क्या बता? कॉस थीटा का डेरिवेटिव, कॉस थीटा का डेरिवेटिव। लेकिन ये मैं लास्ट डे भी बोला था कि अगर आप बोलते हो कि कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ये तो थीटा के रिस्पेक्ट में मार दिया आपने। मैं तुमसे पूछूं कि बताइए कॉस थीटा का मतलब मैं बोला कि चलो इसको फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू कॉस थीटा, बताइए डी वाई बाई डी टी। अब अगर डी डी टी लगाएंगे दोनों तरफ तो इधर भी तो डी डी टी ही लगाएंगे ना। क्या आप टी के रिस्पेक्ट में थीटा को डेरिवेटिव मार सकते हैं? नहीं मार सकते। तो आपको क्या करना पड़ जाएगा? हाँ आपको यहाँ पे थीटा का बैलेंस देना पड़ जाएगा, जिसके चलते क्या यहाँ पे एक बैलेंसिंग फैक्टर आएगा। क्या ये डी थीटा डी थीटा कट गया तो वो डी डी टी ही था? बैलेंस तो समझ आ रहा है। ओके अब बताइए डी डी थीटा और कॉस थीटा क्या होता है? क्या ये माइनस साइन थीटा होगा? तो माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी है कि नहीं? अच्छा तो अच्छा आर कॉन्स्टेंट वेरिएबल। मैं आपसे पूछू, हाँ सही है, मैं आपसे पूछू प्रवीण, मैं आपसे पूछू कि अगर आपके पास है x इक्वल टू टू साइन थीटा, बताइए डी एक्स बाई डी टी, बताइए। आइए प्रैक्टिस, जिसको पूछेंगे वही बोलो यार। राजीव बोल सकते हो, इका बोल सकते हो, डी एक्स अपॉन डी टी। शिव बोल, अंकित बोल, टू कॉन्स्टेंट है वो बाहर चला गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव। अरे कॉस थीटा ना, हाँ तो अबे इतना तो पता होना चाहिए कि साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो अपना कॉस थीटा इनटू क्या डी थीटा बाय डी टी का बैलेंस जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डी एक्स बाय डी थीटा मारते तो क्या ये बैलेंस जाता? क्योंकि आप थीटा का रिस्पेक्ट कर देते। आइए ऊट पटान सवाल पूछते, बताइए डी एक्स अपॉन डी वाई, बताओ डी एक्स बाय डी वाई मैंने किसके रिस्पेक्ट में मार रहा हूँ? डी डी वाई के रिस्पेक्ट पे है ना। तो फिर क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? 2 cos थीटा इनटू क्या d थीटा बाई, तुम्हें समझ आ रहा है मैटर? तो कैसे बैलेंस मार रहे? अच्छा आइए
तो इसका आर कॉस थीटा आई कैप, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस आर साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आई कैप। यार कितने लोगों को समझ आया है यार, 100% बुक या लेक्चर, गुड। ये एक और जाएगा तो चल जाएगा, तुम्हें पता है ये सर्कुलर है बेटा। अच्छा प्लस आर साइन थीटा, क्या आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे कैप, पक्का? अरे यार थोड़ा सा पकड़ते चलो, मैंने थोड़ा सा जितना भी हो सके कैच करो, लेक्चर देखोगे 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए मैं लेक्चर काट वाट भी देता हूँ, पता है आजकल मैं बहुत कुछ एडिट वेडिट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बंदे लोगों को ऐसे लग रहा है कि 5-10 मिनट का तुम लोग कैरी मिनाटी का वीडियो नहीं देखते हो, तुम लोग 1 घंटे का लेक्चर क्या खाक देखोगे। इसलिए मैं जितना हो सके काट देता हूँ। अभी 55 मिनट्स का लेक्चर तो है सर्कुलर का, मैंने ऐसे नॉर्मली अभी देखना पढ़ाते पढ़ाते 1-1.5 घंटा हो जाएगा, मैं बैठ के एडिट करता हूँ, जितने सारे बात बात किए वो सब जो नॉर्मल डिस्कशन सब काट देता हूँ, ताकि थोड़ा सा तो कम लगे। देख लिया एकदम, हाँ अरे जितना हो सके कर देते हैं तुम्हें, कई लोग तो टाइम देख के निकल जाते हैं, बाप रे 55 मिनट आज तक मैं मूवी नहीं देखा भाई, वो कटा हुआ लेक्चर 1 घंटा मतलब समझ रहा है, वो क्लास 2 घंटा का लिए होंगे। ये देखो अभी जो बात कर रहा हूँ ये कट जाएगा। अरे काइनेमेटिक्स तो सात सात लेक्चर है 1.5 घंटा का। अच्छा हुआ हाँ ये बात है, नहीं नहीं ऑनलाइन सब आते थे, सब शिवम सारा आता था, ये नहीं आता था ऑनलाइन, सब आता था, राजीव नहीं आता था ऑनलाइन। वो तुम्हारा डीएक्स वाला क्लास गायब है, एक्स बन जाएगा अब तो इंटीग्रेट मार के। आइए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो हाँ अच्छा, ये मैंने कौन सा केस पकड़ा है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है मतलब क्या, स्पीड चेंज हो रहा है या वेलोसिटी? स्पीड चेंज हो रहा है मतलब क्या, ओमेगा चेंज हो रहा है या वेरिएबल है मतलब कांस्टेंट है? पहले बताओ ओमेगा है क्या, एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, घूमने का ये वाला? हाँ तो यहाँ पे क्या ओमेगा है कि नहीं है? ओमेगा है, लेकिन अगर कांस्टेंट होता तो ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट होता कि जीरो होता? अगर मैं बोलता कि स्पीड नहीं है तो ओमेगा कांस्टेंट है कि जीरो है? कांस्टेंट है भाई, वी स्पीड कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, जीरो मत बोल देना क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है ही नहीं तो घूम कैसे रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ओमेगा वेरिएबल है। अच्छा कितने लोगों को ये मालूम है कि डी थीटा बाई डी टी मतलब ही ओमेगा है? थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है? सपोज आर्यन मान लो कि तुम्हारा एक चक्कर है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक चक्कर में तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? यही तो बात नहीं है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है जो तुम्हें फील है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2π। अरे एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो जीरो है। अब समझ में आया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोल रहे हैं? तो अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब x रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला बता, तुम बोलोगे कि सर s by t, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा सर? थीटा बाई टी, यही होगा ना? और वही थीटा बाई टी को या डी थीटा बाई डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा। क्या बोलते हैं? अरे ओमेगा का फॉर्मूला बताना जरा, ओमेगा फॉर्मूला क्या होता है? वी बाई आर, क्या वी रिलेटिव बाई आर या वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाई आर? शाबाश, आइए। हाँ हाँ मतलब ठीक है, तो ये d थीटा बाई dt क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो इसको लिखा गया अपना dr वेक्टर बाई dt इक्वल्स टू क्या, माइनस r साइन थीटा इंटू ओमेगा i कैप प्लस r cos थीटा इंटू ओमेगा j कैप। क्या r और ओमेगा कॉमन ले सकते हैं? ओके, अरे क्या यही v है? अरे v है ना। अब बता मेरे को ये जो v है, अच्छा ठीक है रहने दे, r ओमेगा कॉमन ले लिया तो क्या आएगा अपना, r ओमेगा क्या आएगा, माइनस साइन थीटा I cap plus cos theta J cap। क्या एक बात बताओ, क्या ये velocity है? इसको एक बार और differentiate मारें तो क्या आ जाएगा? dv by dt, change in velocity by change in time की acceleration होता है। मैं तेरे हिसाब से बोला ये बात, क्योंकि हम लोग इस state पे पहुंच चुके हैं कि ये लोग सारा क्लास किया, तो मैं dv by dt को सीधे a बोलूंगा। तेरे चलते ये बात तो तोड़ के बोला कि change in velocity upon time क्या acceleration है? हाँ तो dv by dt क्या हो जाएगा? acceleration। अच्छा एक बात बता, यहीं पे तो लफड़ा चालू होता है, dv by dt को आप बोल दोगे एक्सीलरेशन और इसको डेरिवेटिव मारना है, क्या ओमेगा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? यार ओमेगा वेरिएबल है भाई साहब,
ओमेगा तो है, इंक्रीज कर रहा है क्योंकि ये टी है कि नहीं है। अब मेरे को ये बात बता, अगर ओमेगा वेरिएबल है, आर कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, तो क्या अगर दो वेरिएबल है, एक ओमेगा भी वेरिएबल है एक ये भी वेरिएबल है, तो क्या ये इसको डेरिवेटिव मारेंगे तो क्या टू वेरिएबल फंक्शन लगेगा यू इंटू वी। कितनों को पता है ये फॉर्मूला? हाँ फॉर्मूला पता है, हाँ यू बाहर वी अंदर, वी बाहर यू अंदर, डेरिवेटिव लिख दूं क्या एक बार लिख देता हूं। तो डीडीएक्स ऑफ यू बी का फॉर्मूला बोला गया, डीडीएक्स ऑफ यू बी का फॉर्मूला बोला गया यू इंटू वी, इसको लिखा गया क्या यू इंटू डीडीएक्स ऑफ वी आता है तो बोलो, प्लस वी इंटू, शाबाश शाबाश, वी इंटू डीडीएक्स ऑफ यू, ये फॉर्मूला है अपना, बोलो क्लियर। अब यहां पे बता यू कौन है वी कौन है, बोल के दिखा, घूसा मारेंगे तेरे को, आर यू है, आर कॉन्स्टेंट है भाई, ये पूरा का पूरा वी है क्या, एक को यू मान लो एक को, ओके अब इसको डेरिवेटिव मान, तो आर तो अपना वैसे भी कॉन्स्टेंट है, इसको साइड हटा दो, तो क्या ओमेगा इंटू क्या डी डी टी ऑफ माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप प्लस, एक बार ये पूरा बाहर है ना, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इंटू डीडीटी ऑफ, ओके हाँ डीडीटी ऑफ ओमेगा। अरे यार समझ आया क्या, यू इंटू वी तो कैसे मारा, डर तो नहीं लग रहा, ठीक है तो कोई बात नहीं, ये अपना आर, अच्छा ओमेगा, अच्छा इसको डेरिवेटिव मारो, साइन थीटा आई कैप का माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्या माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है। अच्छा एक बात बता, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, माइनस कॉस थीटा आई कैप, या हाँ बोल, डी थीटा अपॉन डी टी, वो भी लिखेंगे ना, क्योंकि डी डी टी के रिस्पेक्ट में थीटा लगा रहे तो चेन रूल लगाऊंगे ना, हाँ तो इसमें क्या आएगा, आएगा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या डी थीटा अपॉन डी टी आई कैप माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी क्या जे कैप, अरे सही लिखा क्या, ओके और इधर क्या लिखा जाएगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा अपना डी ओमेगा बाई डी टी इसी फॉर्म में रह जाएगा, और ये वाला लिख देंगे माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अरे आर्यन ध्यान से देखना, एक बात तेरे से पूछता हूँ, क्या डी थीटा बाई डी टी मतलब ये ओमेगा है, और ये अच्छा एक बात बताइए, ओमेगा को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं क्या, तो क्या ये ओमेगा स्क्वायर है, क्या बोलते हो यार आर्यन, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बीच में माइनस है, तो इसको ढंग से लिख देता हूँ, ये आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। अच्छा आर्यन एक बात बताइए, कहीं देखा देखा है क्या यार, ये तो कहीं पे देखा देखा, ये क्या माइनस ई आर है, अरे यार ढंग से देख, ये ई आर है कि माइनस ई आर, माइनस ई आर है ना, ये कहीं देखा देखा है क्या, ये भी क्या ई टी है, प्लस ई टी की माइनस ई टी, हाँ ये तो प्लस ई टी अपना। अच्छा ये डीवी बाई डी टी वेक्टर ही क्या ए वेक्टर है, पक्का, ओके तो अपना ये ए वेक्टर लिखा गया, ये ओमेगा स्क्वायर आर इंटू क्या एक माइनस के साथ इंटू क्या ई आर कैप, देखना गलत तो नहीं लिखा, अच्छा अच्छा डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, यही अल्फा है, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स से रिलेट करोगे तो आपको फील आएगा, डीएस बाई डी टी क्या होता है, काइनेमेटिक्स में पूछ रहा हूं, लीनियर डीएस बाई डी टी क्या होता है, एक्सिल वेलोसिटी होता है ना, और डीवी बाई डी टी, अच्छा तो एंगुलर में डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन अल्फा, तो क्या मतलब डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा है, ओके स्नेहा तो इसको लिखा जाएगा अपना प्लस, अच्छा यहां पे एक आर है क्या, ये आर तो ब्रैकेट से खुलेगा यहां आएगा ना, तो ये आर अल्फा इंटू ई टी कैप, सही है क्या, कॉपी में देख ले लास्ट डे यहां का एक आर छूटा है मालूम है, याद नहीं करता हूं बस, मैं भूलता नहीं हूं, मेरे को सब याद आता है, जो भी है देख ले, समझ आया क्या, आर लिख ले। अच्छा तो ये जो आपको फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए यार, ये ई आर क्या है रे, नहीं यूनिट वेक्टर है, कौन से वेक्टर का सर, वो तो इनवर्ड्स वाला एक्सीलरेशन का ना, देख मैंने लास्ट टाइम बोला था कि ए आर का डायरेक्शन किधर होता है, इधर, और मैंने ये भी बोला था कि ए आर का डायरेक्शन इधर होता है, अगर गलत ले लूंगा बाहर की ओर तो क्या माइनस आ जाएगा, देख माइनस आ गया, मतलब क्या सही है,
अच्छा, और मैं बोला था कि ये कौन सा एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन तो एटी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इसे, ए टेंजेंशियल। लेकिन हमको सर्कुलर मोशन में एक बात बताओ, ए टेंजेंशियल क्या कंपलसरी होता है? अरे उसको मैं आराम से घुमा सकता हूं, तो वहां पे देखो आराम से घुमा रहा हूं, क्या ए टेंजेंशियल है, क्या ए रेडियल है? लेकिन तेज कर दू तो क्या टेंजेंशियल आ जाएगा, बट क्या ए रेडियल है? तो आपसे पूछा जाए सर्कुलर मोशन में कौन सा कंपलसरी होता है, ए रेडियल की ए टेंजेंशियल? ओके, क्या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑप्शनल है कि कंपलसरी? शाबाश, तो ये वाला पार्ट, ये अच्छा एक मिनट, ये वाला पार्ट जो है ना, ये क्या है, ये कौन सा एक्सीलरेशन हुआ फिर? तो नेट एक्सीलरेशन है, ये नेट एक्सीलरेशन है। हाँ हाँ, तुम लोग बताओ ये कौन सा एक्सीलरेशन है? अरे तुम लोग को ये बात कॉन्फिडेंस में है कि सर ये वाला ना एआर है, कैसे पता? बगल में यूनिट वेक्टर देख ले किसके साथ चिपका हुआ है। ये वाला क्या है? ये ए टेंजेंशियल है सर, तो बगल में यूनिट वेक्टर देख लो। अब मैं तुमसे पूछूं, ए तुम लोगों ने क्या वेक्टर पढ़ा है पक्का? यार तुम लोग, हमको डाउट है। तो यहां पे एआर, एआर वेक्टर लिखा मैंने, एआर वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर आर की माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, एटी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, ये तो अपना आर अल्फा लिखा जाएगा ना, ए तुम्हें समझ आ रहा है क्या? इसको क्या बोलते हैं पता है? ये जो तुमने निकाला डीवी बाई डीटी, डीवी वेक्टर बाई डीटी, इसको बोलते हैं ए नेट। वो सही बोली, ए नेट मतलब ये कौन सा ए नेट? हाँ, पर वो दिख किधर रहा है, मैं बता रहा हूं वो किधर दिख रहा है। मान ले ये अपना एक सर्कुलर है, क्या तुम लोग ये जीवन भर मान सकते हो कि सर मैंने एक पार्टिकल को घुमाते रहूंगा तो ए आर जीवन भर अंदर? अरे ये तो मान सकते हो ना। और ए टी जीवन भर ए टेंजेंशियल, क्या ये मान सकते हो? ए आर और ए टी के बीच में जीवन भर एंगल 90। क्या तुम लोग रेजोल्यूशन, वेक्टर रेजोल्यूशन पढ़े हो? क्या वो वाला रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़े हो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, उसका रूट अंडर, वहीं पे cos थीटा की जगह पे 90 रख दो, क्या रूट अंडर पाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है? अरे वो एक स्पेशल केस था मैंने जो पढ़ाया था पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से, वही तो है अपना ए नेट। आइए, यानी ए नेट क्या लिखा गया, ए नेट आपका लिखा गया क्या रूट अंडर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर? यार डाउट है क्या तुम्हें इस बात पे? ये तो पाइथागोरस थ्योरम भी समझ सकते हो। फाका दिख रहा है आंख में, ठीक है, आया समझ में? अच्छा, ये अपना वो ए नेट है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, पहले बता ए नेट का फीलिंग आया, ये कौन सा ए नेट है? अब मैं तुमसे पूछूं, इन अ सर्कुलर मोशन ए आर इक्वल्स टू जीरो, इज इट ट्रू और फॉल्स? इन अ सर्कुलर मोशन ए आर इक्वल्स टू जीरो, ट्रू फॉल्स? इन अ सर्कुलर मोशन ए टी इक्वल्स टू जीरो, ट्रू और फॉल्स? हाँ, ए टी इक्वल्स टू जीरो ट्रू और फॉल्स में ट्रू मत बोल दियो, वो फॉल्स होगा क्योंकि वो मे और मे नॉट बी, है ना? एट इन अ सर्कुलर मोशन ए नेट इक्वल्स टू जीरो, ट्रू या फॉल्स? ए नेट जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं? ये ठीक है बट ये थोड़ा सा वीक एक्सप्लेनेशन था सर। ए नेट कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ए आर तो हमेशा है, ए आर तो रहेगा ना। हाँ, तो मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं इन अ सर्कुलर मोशन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए नेट, ए आर? सोच लो फॉर्मूला देख के, ए नेट को लिखा जा सकता है रूट अंडर ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए टी जीरो होगा तो क्या रूट अंडर ए आर स्क्वायर मतलब ही ए आर? और ये ए आर कब होता है? अगर मैं तुमसे पूछूं इन अ सर्कुलर मोशन व्हेन ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, क्या ए नेट इक्वल्स टू ए आर? बातें सुनो, व्हेन ए ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट मतलब क्या एटी जीरो? एटी जीरो मतलब क्या ए नेट और ए आर एक ही बात है? व्हेन ओमेगा इज कांस्टेंट क्या ए नेट इज जीरो? कई लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं ओमेगा कांस्टेंट मतलब, ओमेगा कांस्टेंट मतलब क्या ये मान सकते हो कि डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो? अरे घूसा मार दूंगा, ये ओमेगा कांस्टेंट का मतलब है। अबे ओमेगा का चेंज जीरो है मतलब क्या ओमेगा कांस्टेंट है कि नहीं है? डी ओमेगा बाई डी टी आप ऐसे समझे, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू जीरो मतलब क्या ओमेगा कांस्टेंट? अब बताए मेरे को, ओमेगा कांस्टेंट मतलब क्या ए नेट जीरो? इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, समझ आ रहा है क्या पक्का? सही बात है,
हाँ इधर सुन, एक टॉपिक देख, यूनिफॉर्म नहीं सर्कुलर मोशन। यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है? मैंने इतना देर सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब, मैं तुमसे पूछूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ओमेगा कांस्टेंट की वेरिएबल, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ओमेगा। अच्छा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओमेगा कांस्टेंट। अब ये ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट ये सब, इसका कितना मतलब निकाल सकते हैं? बस मतलब निकालेंगे हम लोग। ओके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, शाबाश, ये अपना एटी जीरो है। अच्छा एक बात बताना, ओमेगा कांस्टेंट मतलब क्या? वी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट क्या? देख तो सही लिखा क्या, या फिर मॉड हटा देता? अच्छा एटी जीरो अपना। अच्छा इसका क्या एक मतलब और निकलता है? ये तो एक मतलब है, एक मतलब और निकलता है क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? ए नेट, अरे रुक जा, ए नेट इक्वल्स टू ए आर। यार मॉड सही लगाया या फिर मॉड नहीं लगाता तो भी चलता? मॉड लगाया तो ठीक है, मॉड नहीं लगाता तो भी चलता। बताओ, मॉड नहीं लगाने का मतलब तो डायरेक्शन इन्वॉल्व कर ले रहा है। ऐसे नहीं सोचो ना, आप कैसे सोचोगे, फील करके सोचो। मान लो ऐसे पूरा घुमा रहे हो एक पार्टिकल, ठीक है आराम से घुमा रहे हो, जीवन में कोई चाप ही नहीं है, तो मतलब ये अपना ऐसे इधर, अगर मान ले कि 80 होता तो क्या इधर 80 होता? अभी ये तो जीवन भर है, ये साले तुम घुमाओ तभी आ गया, अभी तुम्हारी कुंडली में बैठ गया तो अपना 80। अब सोच के अगर AR और AT रहेगा तो क्या NET इधर आएगा कुछ? ये तो कंफर्म है। आप इस AT को कमाते चलो, क्या ये इधर सोते जाएगा? इसको है ही नहीं तो क्या यही है? हाँ तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो मॉड नहीं भी हटाऊं तो भी क्या चलेगा? ऐसे फील आना चाहिए ना फिर तो, है ना। AR और A वेक्टोरियल फॉर्मेट पे भी डायरेक्शन सेम है, मतलब अगर मैं मॉड हटा दें तो क्या क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी, और अगर मैं ये रखता तो क्या बोलना चाहता? क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है? बट ऐसा नहीं है। तो मतलब अगर मैं लिखूं कि ए नेट मतलब क्या सीधा लिख दूं कि ओमेगा स्क्वायर आर? क्या तुम लोग ये बात समझते हो? ओमेगा स्क्वायर आर मतलब क्या? वी स्क्वायर बाई आर। तुम समझे ये मैटर? क्योंकि एक फॉर्मूला आता है, शायद तुझे पता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या है? वी बाई आर। ओमेगा का वैल्यू यहां रख दो तो अपना वी स्क्वायर बाई आर आएगा यार, है ना। तो ए नेट इक्वल्स टू आएगा अपना वी स्क्वायर बाई आर। अब मैं तुमसे बोलूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या डीवी वेक्टर बाई डीटी का मॉड जीरो हो सकता है? पहले बता डीवी वेक्टर बाई डीटी है क्या? ए यार तुम ऐसे मत बोलो, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ए आर ए टी की ए नेट मैं बोला कि ये हो सकता है, मतलब मैं पूछा कि तेरे को डीवी डीवी वेक्टर बाई डीटी का मॉड इक्वल जीरो मतलब डी वेक्टर बाई डीटी ये तो एक एक्सेलरेशन है, ये कौन सा है? ए आर ए टी की ए नेट एटी, हाँ ए नेट जीरो हो सकता है क्या? हाँ तो ये कौन सा होगा? एटी होगा ना। अगर एटी जीरो हुआ तो क्या ये ऐसे, ये अरे जेई मेंस में assertion reasoning में questions है, if dv vector upon dt का mod equals to zero then क्या a net equals to ar, true false? True है ना। अच्छा अब तुम्हें पूछा गया एक दूसरा स्टेटमेंट, डीवी वेक्टर इसका क्या मतलब है? हाँ इसका मतलब आप बोल सकते हो क्या? एक्सीलरेशन कांस्टेंट। पहले सोच के बोलना, हाँ हाँ मत बोलना, भूसा मार देंगे फिर। मैं बोला कि डीवी वेक्टर, डीवी वेक्टर तो कहां लगा के रखा है देख, हाँ अच्छा बेसिकली ये है क्या? स्पीड यार, ये तो स्पीड है ना,
हाँ तो इस पूरे बात का मतलब क्या है? स्पीड इंक्रीज नहीं हो रहा है। हाँ तो स्पीड इंक्रीज नहीं हो रहा मतलब क्या है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि ओमेगा कांस्टेंट है? मैं पूछा तेरे को, वही अपना सर्कुलर मोशन, वही अपना सर्कल, इधर अपना पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ पे ये डायरेक्शन से। मैं बोला कि ए जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है, और सॉरी अब मैं बोला कि ये वी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा वी इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या ए टी है? मैं बोला तेरे को अल्फा जो है वो नॉन जीरो होगा, ये अल्फा मतलब क्या है, है ना, एंगुलर एक्सीलरेशन। अच्छा तुम लोग में से कितने लोग ये समझते हो कि ये जो AT होता है ना, AT होता है R अल्फा। अरे वो प्रूव किया था उस समय, AT R अल्फा होता है ना, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा अपना AT by R। कई लोग ये बुक में लिखा होता है एकदम रट लेते हैं अल्फा मतलब A by R, A by R। अबे अल्फा मतलब A by R नहीं होता है, अल्फा मतलब A by R मतलब A कौन सा A? AT की A की A net। क्या अल्फा मतलब A net होगा? क्या अल्फा मतलब ए आर होगा? क्या होगा? ए टी। तो ऐसे रटो, अल्फा मतलब होता है ए टी बाई आर। अब सोच अगर मैं तेरे को बोला वी इंक्रीज कर रहा है तो क्या मतलब ए टी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज? तो मतलब क्या अगर मैं तेरे को बोलू कि ये अपना वी इंक्रीज कर रही है पार्टिकल, ये इधर वी का डायरेक्शन इधर है, तो क्या ए टी का डायरेक्शन भी उधर ही होगा, है ना? अगर मैं बोला कि अच्छा ये वी कभी डिक्रीज नहीं कर सकता, वो कैसा सिचुएशन होता है? तो क्या v डिक्रीज भी हो रहा है? अगर v डिक्रीज हो जाएगा तो वो कैसा सिचुएशन है? मैं बोला ये पार्टिकल अपना यहां है, ये डायरेक्शन इधर है, v डिक्रीज कर रहा है, हो सकता है। तब at का डायरेक्शन किधर है, इधर या ऑपोजिट टू v? हाँ एग्जैक्टली, आप सिंपली इसके मतलब at का डायरेक्शन इधर होगा, v का डायरेक्शन इधर होगा, है ना? आप सिंपली इसे काइनेमेटिक से भी समझ सकते हैं यार, फाइनल मतलब v अगर डिक्रीज करना होगा, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा फाइनल वेलोसिटी कम, क्या रिटार्डेशन है? तो रिटार्डेशन मतलब क्या एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, माइनस में आता है ना आंसर, तो पाती काइनेमेटिक्स। समझ में आ रहा है क्या? ओके आइए चलो, चलिए थोड़ा सा क्विज 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 खेला जाए। हाँ अच्छा एक और बात, मैं इस सिस्टम में देखना, मैं बोला तेरे को डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो, डीवी वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो। अच्छा ये डीवी वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो मतलब क्या ए टी इक्वल्स टू आर अल्फा? समझ आ रहा क्या? हाँ नहीं नहीं समझा नहीं, मैं तेरे को ये बोलना चाहता हूं डीवी वेक्टर बाई डी टी तो है क्या, मतलब चेंज इन स्पीड है ना? हाँ तो स्पीड चेंज होने का मतलब ही क्या ए टी जीरो हो जाएगा? हाँ सॉरी सॉरी नहीं ये सही तो है, ये इसका मतलब स्पीड का चेंज हो, सॉरी इसका मतलब तो ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है ये तो, है ना? समझा? हाँ ओमेगा कांस्टेंट है भाई ये तो स्पीड। हाँ ठीक, अब मैं तेरे को बोलू कि डीवी बाई डी टी का, डीवी वेक्टर बाई डी टी का मॉड, क्या तुम्हें ये समझ आता है ये ए आर है, ए टी है या ए नेट है? अभी अभी मैं जीरो नहीं लिखा, अभी मैं जीरो नहीं लिखा, ए नेट है ये। आपके सामने कोई भी लिख दे कि डीवी वेक्टर बाई डी टी जीरो मतलब वो आप ए टी मान लीजिएगा, क्योंकि वही एक चीज है जो जीरो हो सकता है ना? लेकिन अगर मैं सिंपली ऐसे डीवी वेक्टर बाई डी टी लिखू तो मॉड भी हटा दू तो ये इट्स अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ ए नेट, क्योंकि आपने प्रूव किया था dv by dt उसी को a net बोला था। अब मैं तुम्हें बोलूं कि dv vector by dt का mod, क्या तुम लोग ये agree करते हो? इसका formula होता है अपना ar square plus at square, इस पे agree करते हो क्या? okay ठीक, omega equals to बोल तो, मैं तेरे को पूछ रहा हूं omega equals to क्या बोला, बोल ए आर बोला ना, तो उसको बोलने में क्या जा रहा है, तो बोल। अरे बोलते हो तो कुछ बोलो ताकि तुम कुछ कंसेप्ट भी ले जाओगे। ओमेगा इक्वल्स टू ए आर में ए कौन है, ए टी ए आर की ए नेट,
ओमेगा इक्वल्स टू ए आर में ए रेडियल है, अरे वो 100% ए टेंजेंशियल होगा भाई, काहे कि ओमेगा इक्वल्स टू ए आर बात का मतलब है, पहले बता ओमेगा इक्वल टू ए आर जब बोल रहे हैं तो ओमेगा कांस्टेंट है कि वेरिएबल, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के साथ वेरी कर रहा है, अरे ओमेगा कांस्टेंट होगा तो ए टी जीरो, तो उस हिसाब से तो अगर आप ओमेगा इक्वल टू ए आर में ए टी को जीरो बैठाएंगे तो ओमेगा जीवन भर जीरो मिलेगा, फॉर्मूला ये है ना, ए टी में ए टी को अगर जीरो, ए टी को करेस्पॉन्ड करेंगे ओमेगा इक्वल्स टू ए आर में, इस ए आर को ए को आपने टी माना तो ये जीवन भर आपको जीरो देगा, पर जब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते तो वहां पे ओमेगा कांस्टेंट होता है ना, पर ओमेगा होता तो है 2 रेडियन पर सेकेंड, अबे वैल्यू तो है, उसे जीरो कर दोगे बॉडी रुक जाएगा, समझ आ रहा है, ये यही तो समझाने के लिए एक ही बात 10 बार रटा रहा हूं आपको कि ए आर ए टी और ए नेट तीनों अलग बात है, कौन सा एक्सीलरेशन का बात कर रहे हैं, खाली ओमेगा इक्वल टू ए आर और अल्फा इक्वल टू ए बाई आर रटना नहीं है, वो सब गधेड़ों लगते हैं बुक देख के, ऐसा कौन सा है भाई करेस्पॉन्ड कर रहा है किस मोशन को, समझ आ रहा है क्या, ओमेगा इक्वल टू ए आर में ए ए कौन है, ए टी है ना, ठीक है आइए और क्या बोला, हाँ अच्छा एक बात बताओ, चलो गेम हो जाए, एक मैं बोला तुमको ये अपना सर्कुलर, ये अपना बॉडी यहाँ पे, ये अपना ये वो, ये पार्टिकल यहाँ पे है इस डायरेक्शन में, ठीक है वेलोसिटी देख, मजा आएगा तुम लोग को गेम, अब तो और क्लियर मजा आएगा, ये अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, तुम्हें बोलना है, मैं बोला कि ये पार्टिकल यहाँ है, ये वी वेलोसिटी, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या, नहीं मैं बोलूंगा नहीं, क्या एटी है, क्या ए आर है, तुम्हें बताना पड़ेगा एटी और ए आर का जो रिजल्टेंट होगा वो इनमें से कौन सा डायरेक्शन को करेस्पॉन्ड करेगा, यार ऐसे मत बोल, सारा अरे मैंने बोला कि एटी का डायरेक्शन बता, एटी का डायरेक्शन तो इधर है, ए आर का डायरेक्शन इधर है, अरे वो तो अंदर होगा ना, तो रिजल्टेंट कैसा होगा, इधर 6, गेम समझ आया क्या, एक और पूछे क्या, ठीक है तो ये अपना इसको याद रखो नहीं ये फील करवाने के लिए, अच्छा एक और पूछते हैं, ये अपना रोड ठीक है, ये अपना बस, ठीक है मान लो बस का टॉप व्यू है, अरे यार टॉप व्यू है, टॉप व्यू कई लोग सैटेलाइट व्यू, गूगल व्यू, गूगल मैप सब जानते, तुम्हें पढ़ाई चुके, ये अपना वेलोसिटी जो है ना, बस रिटायर्ड कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ये अपना बेंड सर्कुलर रोड है, आपको बताना है ए नेट का डायरेक्शन, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, बस ब्रेक मार रहा है घूमते हुए, ए नेट का डायरेक्शन वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है बोला आपको ए नेट का डायरेक्शन, वो सब हमको नहीं पता, तुम हमको डायरेक्ट नंबर बोलो, कितने को फोर्ड लगता है, फोर अरे अगर वेलोसिटी डिक्रीज करता है एटी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर नीचे, अबे एटी का डायरेक्शन नीचे है और ए आर तो हमेशा अंदर है, तो ए नेट तो 6 ही है, अभी तो पढ़ाया थोड़ा देर पहले, वेलोसिटी डिक्रीज करे तो ए बस का डायरेक्शन का उल्टा तरफ हो जाता है ना एटी, मैं ये वेलोसिटी डिक्रीज बोला, अच्छा तू लोग बस को नीचे भेज दिया, अच्छा बस नीचे भेज दिया, नीचे डिक्रीज कर दो तब तो 4 हो जाएगा फिर तो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बोल दूंगा ये बस हो गया, सर्कुलर हो गया, आ जाओ पेंडुलम से खेल लेते थोड़ा सा, ये अपना पेंडुलम टिंग 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 टिंग, आइए ये ऐसे, हालांकि ऐसे कोई पेंडुलम होता नहीं है बट मान लो, ठीक है अरे ठीक है ना, अब मैंने बोला कि यहाँ पे अपना पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन को जा रहा है, मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट की ओर जा रहा है, ए नेट का डायरेक्शन इनमें से कौन सा, साढ़े दो, बाय गॉड ये कौन सा वेलोसिटी है, 2.5 खतरनाक हो तुम लोग, नहीं सर,
कितने लोगों को लगता है? हाँ तीन। कितने लोगों को लगता है? दो। कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? कितने लोगों को लगता है? दो। अच्छा पूछ रहा हूँ, सब पूछ रहा हूँ, दो दो जन को दो, ठीक है। कितने लोगों को लगता है? तीन। एक दो तीन चार। अच्छा चार जन को तीन, कितने लोगों को लगता है? चार। बाकियों को क्या लगता है बे? अबे वो देख पीछे का दो, सर हम लोग आपके साथ है, तुझे आपको लगे। अबे चार तेरे को लगता? अच्छा ठीक है, तीन का रीजन एआर चला गया। अबे एक बात बताओ, एआर इधर गया ना और एटी इधर गया ना, हाँ तो बीच से यहाँ पे चला गया ना तीन। कितने लोग तीन बोले थे? झूठे। अच्छा आज ठीक है ठीक है, अरे अरे हाथ उठा रहा, तीन बोला था देखा नहीं चार था ना, बहुत ही फालतू जोक मार रहे तुम, बता है। खैर मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि तीन जो आंसर है ना वो गलत है। ऐ तो एक ही तो शेर है मेरा, एटी का डायरेक्शन इधर है, क्या पार्टिकल ऊपर जाता है रिटार्ड नहीं करता है? लपक गए सबके सब, क्या शेर है मेरा, एक ही तो है मृदुल। अबे एटी का डायरेक्शन इधर है ना, पार्टिकल ऊपर जाएगा तो रिटार्डेशन हो रहा फिर तो वेलोसिटी का। अब बोल, मैंने आपने बताया नहीं था सर, बहुत फागी बाज हो तुम लोग सर, बस आपने बताया नहीं था, आंसर गलत ही तो बस घुमा दे तुम लोग। ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो रिटार्डेशन होगा ना, तो फिर एटी इधर आर इधर, ये इधर इस डायरेक्शन में आएगा। चार या पांच कुछ भी बोल सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी और द एक्सेलरेशन का वेलोसिटी और रिजल्टेंट देख लिया जाएगा, बट चार या पांच में कुछ आएगा। तुम तीन भी कहां बोले थे? खैर कौन सा? हाँ नीचे जाता तो ना, तब भी वो चार ही होता क्योंकि तब फिर वो इंक्रीज करने लगता है ना, आते टाइम इंक्रीज करने लगता है। यार समझ में आया तुम लोगों को? ओके चलो, एक्सीलरेशन का ये थोड़ा खेल हो गया। ये बता मेरे को फिर से, अब अल्फा के ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अल्फा बराबर तुम्हें दिया हुआ है 2t2। अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या यही एटी है? कभी नहीं। अबे अल्फा एटी कब से होने लगा? एनेट है पक्का? अल्फा एनेट नहीं होता है। अबे अल्फा कुछ नहीं होता है, बात को समझिए। आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया, अरे हाँ मैं वो टॉपिक में हेडिंग में लिख दिया था क्या अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन? अच्छा उस वो अल्फा नहीं है, उसको हटा दो वो। इसलिए देखो अल्फा बेसिकली एक टर्म है, कैसे आप समझिए कि आपने प्रूव किया कि एनेड वेक्टर, वेक्टोरियल फॉर्म एनेड वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? एआर वेक्टर प्लस एटी वेक्टर, जिसके अंदर में पाया जाता है आर अल्फा। ये यहां पाया जाता है, ये कैसे एनेट हो गया? पहला बात तो अल्फा को अगर आपको पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि एंगुलर एक्सीलरेशन वो माना, वो आप बोलेंगे एटी बाई आर। बात समझ आ रहा? तीन तरह का एक्सीलरेशन पढ़ रहे हैं आप तो, ठीक है ए आर एटी और एनेट, क्या इन तीनों में से कोई अल्फा है? बट अल्फा एक फॉर्मूला बेस्ड चीज है, वो आप उसको एंगुलर एक्सीलरेशन बोलते हैं, बट वो एनेट, वो तो एनेट नहीं है ना। समझ आ रहा है क्या? ओके किस डायग्राम में? एटी का डायरेक्शन ही अल्फा का डायरेक्शन है एकदम, आपको बोला गया है एटी इक्वल्स टू आर अल्फा, ठीक। ये आर कैसा है? स्केलर की वेक्टर। हाँ तो इसका डायरेक्शन हुआ ना फिर तो। समझ आया क्या? बोल सकता है कि वो उसका एक माने कंपोनेंट है, माने अगर एटी का डायरेक्शन, एटी का वैल्यू हो गया तेरा 5 m/s² हाँ तो रेडियस 1 m है, 2 m है, तो 2.5 m/s² वो हो गया अल्फा। हाँ हाँ
हाँ तो वो पोजिशन वेक्टर बोलने का मतलब यह नहीं कि आर का डायरेक्शन होगा, ये स्केलर है। हाँ अभी के टाइम ये स्केलर है। वो वेक्टर तब होता अगर हम लोग ए नेट को दर्शाते, जब पूरा ए नेट लेते हो तब आपको डायरेक्शन को मतलब रेडियस को वेक्टर दिखाना पड़ेगा, लेकिन आप उसका कंपोनेंट का बात कर रहे हो तो फिर वो इनएक्टिव है। और खास करके तो वो तब इनएक्टिव है जब आप एटी की बात करते हो। एआर में डायरेक्शन रेडियस ही मायने रखता है, एआर में रेडियस मायने रखता है, तो उसका डायरेक्शन तब बोलोगे तो कोई बात होता, फिर भी वहां पे हम लोग नहीं बोलते हैं या फिर बोलते भी हैं। बोलो एआर का फॉर्मूला क्या बोलते हो, वेक्टर दिया है तब क्या बोलोगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर की ओमेगा स्क्वायर आर? माइनस तो लोगे तब क्योंकि आपने वेक्टर दिया है। और अगर ए आर वेक्टर का मॉड ले लो तो आया समझ में? तब तो इसका मतलब तो ये रेडियली इनवर्ड्स आउटवर्ड्स हुआ ना। तो फिर हालांकि हम लोग ऐसा लिखते नहीं है, लिखना गलत टर्मिनोलॉजी है। समझ आ रहा है क्या? अगर एटी लिखे तो एटी का फॉर्मूला होता क्या, आर अल्फा। लेकिन एटी को लिखते वक्त आर का कोई काम, वो एकदम कोई काम नहीं है, वो तो बस आपका फॉर्मूला के थ्रू आया है। आप सोचिए ना, आपको कैसे सोचना है पता है? आप सोचिए जब ये आर अल्फा प्रूव कर रहे थे तब आपने आर को कांस्टेंट माना हुआ था, उसको बाहर फेंका हुआ था डिफरेंशिएशन में, इट वाज एक्टिंग एज अ मियर कांस्टेंट, है ना? तो फिर इसका डायरेक्शन किधर से होने लगा? क्योंकि आपने आपने उसका डायरेक्शन वेक्टर को बाहर माना था, जो कि गलत है। रियलिटी में एआर अंदर की ओर होता है, आपने गलत माना, आपका आंसर माइनस आया, एंड द आंसर इंडिकेट्स कि आपका डायरेक्शन उल्टा होगा जो आपको मानना चाहिए था। कौन? अरे भाई जब आपने ये प्रूफ किया था ना, ये देखिए आपने ये फॉर्मूला प्रूफ किया कि नहीं किया, ये ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर, और इसको आपने लिखा कि नहीं लिखा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ई आर कैप और प्लस आर अल्फा इंटू ई टी कैप। बोलो ये आपने किया कि नहीं किया? ये पूरा टर्म तो अपना ए टी वेक्टर है ना, ये ए टी वेक्टर है क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर चिपका हुआ है। आप बताइए ना कि ए टी का मॉड क्या होता है? ये आर अल्फा होता है, और ये पूरा टर्म क्या है? ए आर वेक्टर है। तो जब ए आर वेक्टर का आप मॉड देते हो तो आप क्या लगाते हो? सिर्फ ओमेगा स्क्वायर आर, यही देते हो। आपको बोला फाइंड द टाइम व्हेन द एंगल बिटवीन ए आर एंड एन एट इज 37 डिग्रीज। फाइंड द टाइम, क्या हो रहा, गिर गया क्या सवाल सुनते? व्हेन द एंगल बिटवीन ए आर एंड ए नेट इज 37 डिग्रीज। जब ए आर और ए नेट के बीच का एंगल 37 डिग्री होगा वो कौन से समय होगा? टाइम, फाइंड द टाइम। हाँ पहले आपको फील आना चाहिए, क्या इतना तो फील आ जाना चाहिए कि भाई मैं कुछ भी बताऊं मेरे को ए आर ए टी और ए नेट सब निकालना है, उसके बिना तो मैं अपन को क्या नहीं कर सकता ना। तो बताइए ए आर कैसे निकाला जाएगा? यार ए आर आसान है, दोनों चीज दिया हुआ है, अब वही निकालना है ना। अरे तो ए आर दिया हुआ है ना, क्या 47 मानी भूसा, अच्छा 40 स्क्वायर। अबे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होगा तो ए नेट तो आया किधर से? एंगल मांग रहा तुमसे, तुम्हें ए आस्ते यार सवाल पूछ रहा है। वो बोल रहा है कि ये सब डेटा देख के तुम ओमेगा और आर देख के तुम बता सकते हो क्या एटी होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे एटी का कोई जिक्र नहीं किया, हम लोग एटी क्यों निकालने जा रहे हैं? तो सवाल है उसका जवाब दो। जवाब ये है कि एंगल बोला है ना एआर और एटी का, एआर और एनेट के बीच में एंगल सेपरेशन है, और ये सेपरेशन तो एटी के वजह से ही होगा, वरना एआर और एनेट का डायरेक्शन सेम नहीं हो जाएगा। आप लॉजिक, यही तो आपको बोल रहा हूं, लॉजिक के साथ आप ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि सवाल तो गलत नहीं है। सवाल बोला है कि वो कौन सा समय है जिसमें ए आर और ए नेट के बीच का एंगल 37 डिग्री होगा, मतलब आप समझ रहे हैं, एंगल दिया है मतलब ही ए नेट होगा ही, वरना ए आर और ए नेट का डायरेक्शन सेम हो जाता ना फिर तो। ओके आगे बढ़े,
बताइए ए आर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ तो 4t² × 2 सही है क्या? डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे 8t² बताइए एटी को कैसे निकालने का तरीका? अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा कैसे निकालेंगे? हाँ तो निकालिए अल्फा, अल्फा कैसे निकाला जाएगा? ओहो हो हो शाबाश, अल्फा को तो लिख सकते हो डी ओमेगा बाई डी टी, तो ओमेगा इक्वल टू 2t है ना, इसको डिफरेंशिएट मार दे, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव मारेगा तो 2t का डेरिवेटिव, अरे 2 भाई, हाँ क्या क्या बोला? 2t का डेरिवेटिव पता नहीं 63-64 क्या बोल रहा है? अबे तू किसी को बोलना मत, तू मेरे पास पढ़ता है, समझा? ये काटना पड़ेगा मेरे को तो। बस ठीक है ना, कि 64 कैसे भी नहीं आएगा। अच्छा टी बोला, खैर 2t का डेरिवेटिव टी, 2 हट गया। अरे यार, अरे यही क्या अल्फा है? हाँ तो अल्फा तो डायरेक्ट कितना मिल गया? अब बताइए एटी क्या आर अल्फा होता है? अबे कितने लोगों को मालूम है 2 × 2 = 4? अरे तुम्हें ये भी नहीं पता, वो एटी अपना 4, एआर अपना 8t² बस। अब ए नेट निकाल सकते हैं क्या? लेकिन ए नेट निकालने में कोई समझदारी? अरे कैसे निकालेंगे, क्योंकि ए नेट भी निकालोगे तो टी के टर्म्स में ही आएगा, तो फिर वो तो फायदा नहीं है। अब क्या करेंगे ना, डायग्राम सोचेंगे। इधर देखिए, ये चीज को देखिए, काहे बात कर रहा है, इधर देख, छुप के बात कर रहा है, इधर देख। क्या ए आर जीवन भर ऐसे ही होगा? क्या ए टी ऐसे ही होगा? क्या ए नेट यही रहा होगा और तभी ये 37 होगा? क्या यही सिचुएशन है? अगर मैं यहां से ऐसे 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 और ऐसे कैसे 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 वैसे, अबे एक बात बता, क्या ये भी अपना 80 है? ये लेंथ भी 80 ही होगा? इस ट्रायंगल में मेरे को 10 37 बोलो। अबे 80/AR, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, 10 37 का वैल्यू कितना आ जाएगा अपना? 3/4 इक्वल्स टू क्या 80/AR? वैसे अपने को निकालना क्या था और टाइम, अच्छा 80 कितना है? 4 और AR कितना है? हाँ तो अपना डायरेक्ट लिख सकना 3/4 इक्वल्स टू 4/80² क्या बोलते हो? तो 80² बराबर कितना होगा? 16/3, क्या t इक्वल टू आएगा √2/3 सेकंड्स, खत्म। अबे मुझे नहीं, ये वाला सवाल देख, ओमेगा इक्वल्स टू 2√θ ऐसे दिया, फाइंड आपको फाइंड करना है, हाँ फाइंड अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ये थोड़ा ट्विस्टेड सवाल है, फाइंड अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अगर आपको ऐसा कभी सवाल बोले ना तो उसका सुनिए, पहले बताइए ओमेगा दिया है, आप लोग अल्फा निकाल सकते हैं क्या? अल्फा क्या करना पड़ेगा आपको? नहीं ना, डेरिवेटिव है ना, ओमेगा दिया तो अल्फा पे जाना है, तो डेरिवेटिव मारना है, तो किसके रेस्पेक्ट मारेंगे? हाँ टी के रेस्पेक्ट नहीं मारेगा तो आपका अल्फा आएगा भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा अपना 2 कॉन्स्टेंट अपना डीडीटी ऑफ √θ, डीडीटी ऑफ √θ लगता है क्या? नहीं लगता है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में जाना पड़ेगा, तो ये अपना डी ओमेगा बाई डीटी है ना जनाब, तो ये अपना 2 कॉन्स्टेंट, तो इसको क्या लिखा जाएगा? DD θ ऑफ √θ इंटू क्या? D θ बाई DT बैलेंस। अब बताओ √θ का क्या होता है? थीटा 2^2 है वो, यार तुम्हें एक DDX का फॉर्मूला तो याद होगा, DDX ऑफ अरे एक और फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला दोनों बहुत काम आते हैं, x^n, ये होता है अपना n × x^n-1 ठीक। अभी आप बताइए अगर मैं आपको रूट थीटा बोलूं, मतलब थीटा टू दी पावर हाफ है ना वो, तो मतलब n का वैल्यू क्या आपका? हाफ। अब इसके इस फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट से इधर जाऊं तो आपको क्या मिलेगा? 2 × क्या ½ × θ^2 −1, अरे सही लिखा क्या? d θ/dt, अरे हाफ माइनस वन क्या? माइनस हाफ मतलब क्या? 1/√θ, ध्यान से देख, और ये 2 कटा तो आएगा 1/√θ। अब एक बात बता, ये d θ/dt क्या ओमेगा होता है? और ओमेगा मतलब क्या? यही है, हाँ तो मतलब ये 2√θ है,
ये तो इसके साथ कटा तो आएगा टू, और एक मिनट रुक जा, अल्फा है ना ये सब, तो अल्फा कितना मिला आपको? यही तो नहीं निकालना था आपको, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा बोला, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया अब तो। ये गलत सवाल, गलत आया, यही ऑप्शन में रहेगा इसलिए दिखाया, बहुत मजे से आपने निकाल दिया, तो लिख भी लिया। अरे ठीक है, काटो मत, यही तो नहीं करना था। अब वो इसलिए नहीं करना था क्योंकि आपको थीटा के रिस्पेक्ट पे मांगा है, आपने टी के रिस्पेक्ट पे दे दिया आंसर। तो आपका जो आज के डेट पे अल्फा इक्वल टू टू है, वो टी के रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव है ना, थीटा के रिस्पेक्ट पे थोड़ी है। हाँ, तो इसका मतलब है कि सीधा सीधी आपको मांग रहा है अल्फा एज अ फंक्शन विद एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब बात नहीं, तो ओमेगा आपका क्या है, टू रूट थीटा ना, आपको मांग ही रहा है डी ओमेगा बाई डी थीटा। अब बोलिए, ये तो सिंपल सिंपल है, टू इंटू वन बाई टू रूट थीटा, टू टू कटा वन बाई रूट थीटा आंसर, ये करना था। थीटा के रेस्पेक्ट पे मांग ही रहा है तो फिर आपने मस्त एकदम अल्फा टू ऑप्शन में होगा वो, आया समझेगा जो इससे कटा, क्या हाफ आया था डी ओमेगा बाई डी टी आया था ना, नहीं इसको अल्फा मत बोल, ये डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर, क्या हाफ डी टी है ना, तो इसको अगर इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन डीटी क्या होगा, हाँ ये अपना ओमेगा होगा ना, ये अपना टी बाई टू आ जाएगा, यहां से भी निकाल सकते हैं, समझ आया क्या, कौन सा रास्ता अच्छा है, मेरे को ऐसा लगता है ये नहीं, ये समझ आया नहीं, तेरे को नहीं आएगा समझ, अच्छा हाँ दूसरे से, अरे तुम लोग को समझ आया क्या, मेरे को लगता है ये वाला मेरा हो, इसमें मत रहो, नहीं ठीक है, नहीं उस पर मत रह, बोल रहे ना बार बार, अभी तू सर्कुलर सीख रहा है, सर्कुलर में डूब जाओ, दोनों रास्ता को बाद में लिंक करना, इसमें कुछ नहीं है, बस इसको ठीक से लिख दे क्या, हाँ ठीक, नहीं तेरे से नहीं पूछ रहा, अरे लिख दे रहा हूं भाई, ये लो ओमेगा इक्वल टू रूट एस डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू डी डी टी अपॉन रूट एस, जिसको लिख सकते हैं डी डी एस अपॉन रूट एस इंटू डी एस अपॉन डी टी, ये वन बाई टू रूट एस डी एस बाई डी टी ही होता है ओमेगा, वन बाई टू रूट एस इंटू रूट एस, ये इससे साथ कटा तो अपना डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू वन बाई टू, डी ओमेगा इक्वल्स टू वन बाई टू इंटू डी टी, ओमेगा इक्वल्स टू हाफ इंटू टी, ओमेगा इक्वल्स टू टी बाई टू, टी का वैल्यू वन बाई टू रेडियन पर सेकेंड। अब बोल, अरे निकालना क्या था, ए आर, हाँ तो ए आर बोलना जरा, वन बाई फोर इंटू वन, तो अपना ए आर मिला अपना वन बाई फोर, ए टी कितना रे, वन बाई टू मिला, अच्छा वन बाई टू, तो एंगल मांगा गया है ये अपना वापस ए आर, ये अपना ए टी, इधर अपना ए नेट, ये अपना थीटा, बताइए टेन थीटा, ए टी बाई ए आर, यही ना, टेन थीटा बराबर क्या मिलेगा, ए टी बाई ए आर, तो tan थीटा इक्वल टू at कितना 1 बाई 2 बाई 1 बाई 4 कितना हो जाएगा 2, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स 2, यही अपना एंगल थीटा है। हाँ